नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक और नई एक्साइटिंग व्लॉग में। दोस्तों मैं जम्मू में ही हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी जम्मू की व्लॉग सीरीज अच्छी लग रही होगी। राइट नाउ आई एम राइट इन परेड, और परेड का मतलब परेड ही है जो परेड होती है, और इसी को परेड मार्केट बोलते हैं। यहाँ पर परेड गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड ग्राउंड, और एक्चुअली यहाँ पर एक परेड वाली जिस पर परेड की जाती है वो वाली ग्राउंड भी है। तो क्योंकि परेड के नाम से ये जो मार्केट है पूरी मशहूर है, तो आज के ब्लॉग में मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ परेड मार्केट एज वेल एज द परेड ग्राउंड। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। तो इसी परेड एरिया में आपको परेड मार्केट मिल जाएगी, उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि परेड जो है यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पर वुमेन कॉलेज है, उसकी वजह से जो है यहाँ पर ये काफ़ी परेड नाम जो है वो मशहूर है यहाँ का। सो यू कैन आस्क एनीबडी। तो ये भी तो ये जम्मू से कोई दूर नहीं, बिल्कुल नज़दीक में ही है, विद इन जम्मू ही है। सो व्हाट यू कैन डू दैट यू कैन आस्क समवन एंड कम एट दिस प्लेस टेकिंग यू नो द रिक्शाज, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शाज या जो नॉर्मल रिक्शाज होते हैं उनको लेकर आप यहाँ पर आ सकते हैं, और इवन आपको मिनी बसेज भी मिल सकते हैं। तो किधर सो दोस्तों बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। तो मैं आपको रिव्यू करवाना चाहता हूँ यहाँ के मार्केट से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला है, ट्रांसपोर्टेशन का जो यहाँ पर फ़ायदा है और ट्रांसपोर्टेशन का जो यहाँ पर सुविधा है। तो इस समय मैं हूँ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन परेड चौक, तो दिस इज़ कॉल्ड परेड चौक। और परेड में जब आप आओगे क्या क्या आपको मिलेगा दैट आई वांट टू शो। और राइट हियर यू कैन सी शायद ये कुछ ब्रांडेड मॉल होगा या क्या होगा, आई डोंट नो। और इस तरफ ऑलराइट, सो मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ मैं इस समय हूँ परेड मार्केट में, और बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में, क्योंकि जो मेन परेड जिसकी वजह से ये परेड मार्केट इस जगह का नाम परेड पड़ा दैट आई वांट टू शो यू। तो बने रहिए। तो इलेक्ट्रिक रिक्शा जो हैं वो उसका चलन काफ़ी जम्मू में हो चुका है, हालांकि अगर मैं बात करूँ अपने होम टाउन उधमपुर की तो उधमपुर में भी काफ़ी चलन का हो चुका है, लेकिन अभी इतने नहीं हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि काफ़ी मशहूर हो जाएंगे। ये मार्केट जो है इस तरफ भी हम जा सकते हैं, लेकिन ये किस तरफ जाती है इस ब्लॉग को मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा, बट मेन जो है वो परेड का मैं एरिया कवर करना चाहता हूँ। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न आई वुड लाइक टू कवर द परेड एरिया। तो बने रहे ब्लॉग में, बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है हर एक जगह के लिए मिल जाएंगी दोस्तों। और जैसे ये रिक्शास में जिसकी बात कर रहा था काफ़ी चलन में है यहाँ पे, और अच्छी बात है, इससे क्या है कि पोल्यूशन थोड़ा कम होगा। और लेकिन दूसरा सवाल ये भी है क्या इनका जो कमाई है यहाँ पर है भी है कि नहीं, ये भी एक अलग मुद्दा है, आई डोंट नो। तो ई रिक्शा वाले मेरे जो भाई हैं जो जम्मू से, वो बताएं ज़रा ई रिक्शा का है यहाँ पर चलन, मतलब आपको हो रहा है कुछ फ़ायदा, कुछ कर रहे हो आप, और अगर हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करें, अगर नहीं हो रहा तो कमेंट करके बताएं कि उसका कारण क्या है। तो हालांकि मार्केट जो है ना दोस्तों वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू दी परेड ग्राउंड। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और थोड़ा सा आगे है, लेट मी गो टुवर्ड्स दैट प्लेस। तो बने रहे ब्लॉग में जैसे मैं उस ग्राउंड के नज़दीक पहुंचता हूं, एंड देन आई विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम देयर। सो आपकी जानकारी को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए आई ऑल्सो वांट टू शेयर विद यू कि यहां पर भी कुछ ना कुछ आपको शोरूम्स मिल जाएंगे, कुछ ब्रांडेड स्टोर्स मिल जाएंगे यहाँ पे अगर आप
परेड ग्राउंड जो है उसकी तरफ अगर आप जा रहे हो, सो राइट ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी दैट। तो ये मैं समय हूँ श्री सनातन धर्म सभा बाबा अमरनाथ है बूढ़ा अमरनाथ यात्री शक्ति पुरानी बिहाड़ी जम्मू। तो दिस इज़ द पुरानी बिहाड़ी, इस एरिया का नाम होगा। तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ दोस्तों, और मैं दरअसल आपको बताना चाहता था जो परेड ग्राउंड है, बट आई एम नॉट श्योर कि क्या यहाँ से एंट्री हमको मिलेगी, बट स्टिल आई विल ट्राई टू पॉइंट आउट दैट, बने रहेगी लाइक। ऑलराइट दोस्तों, तो ये है परेड ग्राउंड एक्चुअली, जिसकी वजह से ये मशहूर है। ये नीचे की तरफ जो रास्ता गया शायद सिटी की तरफ गया, एंड देन आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द परेड ग्राउंड। इस तरफ अगर आप देखोगे काफ़ी बड़ा मैदान है ये, और मेरे ख्याल से ये जो मैदान है ये कॉलेज के अंदर ही आता है, उनके अंतर्गत ही, उनकी अथॉरिटी में आता है। बट आई वॉन्टेड टू शो यू इसको, आप ये मत सोचना कि परेड जो है वो जगह का नाम है, परेड यानी कि जो हम परेड करते हैं, 1 2 1 2 दिस इज़ व्हाट। और क्योंकि ये परेड ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पर परेड होती है, सो परेड ग्राउंड की वजह से जो उसका सराउंडिंग एरियाज थे, जो मार्केट प्लेसेस थे, उसी की वजह से इसका नाम पड़ा परेड, और परेड मार्केट दिस इज़ व्हाट यू कैन से। और उस तरफ अगर आप देखो, पहले एक तो मैदान ही है, और मेरे ख्याल से इस समय काफ़ी धूप खिली हुई है, सो दिस मस्ट बी द रीज़न दैट यू वॉन्ट सी पीपल प्लेइंग हियर क्रिकेट और एनी अदर गेम। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इस तरफ, सो अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, काफ़ी ग्राउंड जो है वो मेंटेन कर रखा है ना, कितना अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है, और सीम्स लाइक दिस इज़ सॉकर और फुटबॉल ग्राउंड, और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन कर रखा है, क्योंकि प्रॉपरली ये सॉकर या फुटबॉल के लिए बनाई गई है। और सामने अगर मैं पढ़ूँ कैमरे में, मैं नहीं जानता कि अगर आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे, तो अगर जूम करूँगा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल मिनी स्टेडियम परेड ग्राउंड, सो दिस इज़ कॉल्ड मिनी स्टेडियम। ऑलराइट दोस्तों, सो ये था सारा परेड ग्राउंड, और उसके साथ साथ जैसे आपने बताया यहाँ पर कॉलेज भी है, परेड कॉलेज भी है, जो कि महिलाओं के लिए है, और परेड जो जैसे मैंने आपको बताया जो की जाती है, और उसी की वजह से यहाँ पर इस जो आसपास का एरिया है, इसी परेड की ग्राउंड की वजह से या कॉलेज की वजह से आई थिंक इसका नाम पड़ा होगा। सो ये मैं आपको दिखाना चाहता था मेन अट्रैक्शन जो है परेड। बने रहे दोस्तों व्लॉग में, एंड देन मैं इस वीडियो को एंड करूँगा राइट परेड मार्केट में। सी यू इन वायर। मैं वापस परेड मार्केट की तरफ आ चुका हूँ दोस्तों, वहीं से मैंने इस वीडियो को शुरू किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों किस प्रकार की आपको शॉप खाने पीने की अलग अलग किस्म की मिलेगी, दैट यू कैन सी। कैन यू सी द हॉर्न हॉन्किंग, और जब मैं कल यहाँ पर सफ़र कर रहा था, पुलिस वाले फिर भी यहाँ से सबको निकाल रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग जो थे, आई मीन खासकर जो ड्राइवर थे, कुछ वेट कर रहे थे, कुछ निकलना चाहते थे, कुछ निकलना नहीं चाहते थे, वेल उनकी मर्जी। तो वेल इस प्रकार का आपको यहाँ पर दोस्तों खाना पीना मिल जाएगा, यहाँ से बड़ी मुश्किल से निकला, नॉट मुश्किल से बट फिर भी ये खड़े हुए थे। मैं आपको इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ जस्ट फॉर अ स्मॉल स्पेस हियर। यहाँ पर इस समय क्योंकि सीज़न है नए एडमिशन्स का, स्कूल में मंगवा रहे हैं कुछ किताबें वगैरह, बुक्स नाओ। और वेट दोस्तों, सो ये था सारा परेड जो मैं आपको दिखाना चाहता था, यहाँ का जो नज़ारा है
और मैंने आपको जैसे बताया कि ये प्रॉपर जम्मू में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप यहाँ पर आइए, कभी भी आपको समय मिलता है। तो दिस इज़ द वेरी नियर प्लेस, दिस इज़ द प्लेस विच इज़ वेरी नियर बाई द बस स्टैंड, और यहाँ पर आप आइए, यू कैन किल योर टाइम इफ़ यू गॉट थोड़ा सा। तो ये था परेड मार्केट और उसके साथ साथ परेड ग्राउंड का जो ब्लॉग था, और इस ब्लॉग में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल चुकी होगी दोस्तों। जो जो परेड में आया है वो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेगा, और इससे भी मैं चार मिनट कर गया परेड के बारे में, परेड ग्राउंड के बारे में, तो ज़रूर आप मुझसे शेयर करें। फिर से मिलता हूँ एक और नए ब्लॉग में, तब तक मुझे जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर, जय जय हिंद।